तस्वीरां च सिख संगत दे चेहरियां ते गुस्सा किसे होर लई नहीं बल्कि अपनी ही कौम दे कुछ करप्ट व्यक्तियां खिलाफ है जिन्हां दे चेहरियां ते नकाब चढ़े हुए ने। गल तां उह सिख कौम दी गुरु साहिबाना दी करदे ने पर अपनी ही कौम नाल गद्दारी कर रहे ने अते सियासतदाना दीआं उंगलियां ते नचदे ने। यह कहना है रोस कर रही इन्हां सिख जथेबंदियां दा जो अज सड़क ते इसलिए ने क्योंकि 400 तो बाद गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूपां दी बेअदबी हुई पर दोषियों नू सज़ा नहीं मिली। इहदी टीम आ उहनू जनतक करन तां कि सानू पता लग सके होया की है क्योंकि उहदे विच आऊगा जरूर कि ये जिहड़े महाराज दे स्वरूप हैगे आ ये सियासी आगुआं दे कहण ते दित्ते गए आ किसी नूं पांच किसी नूं दस किसी नूं किन्ने किसी नूं किन्ने साडे कोल ये गल है जिथे अकाल तख्त साहब दे प्रचारक साहबान मना भी कर दिया परंतु चोर मोरियों पखंडी दगेबाज लोग मनमत करन वाले लोग गुरु ग्रंथ साहब दे प्रकाश करवा लेंदे हैगे आ। ते फिर एक बड़ी वड्डी जिहड़ी मंदभागी घटना हैगी आ कि 450 सतगुरु साहब दा स्वरूप पहलां ते कंटेनरां विच भेजदे सी पहलां इह बड़े होर तरीके दे नाल क्योंकि नोवा दीआं गड्डी दीआं डिग्गियां विच्चों वी सिंघां ने सेवा की भाई मुछल साहब सारे सिंघां ने रल के बलबीर सिंह मुछल होणां दे सारे जथे ने रल के सारियां वीरां ने सेवावां कीतियां ये सारियां मीडिया विच आउंदियां रहियां ने परंतु इन्हां ने सत्कार दे नां दे उत्ते एक पालकी साहब का निर्माण कराया काफ़ी महंगा वह पालकी साहब बनिया उहदे विच 450 सरूप कनेडा की धरती वल नूं भेजे गए ते उत्थे समुंदर दे कंढे उन्होंने खड़ा खड़े उस पालकी साहब का ठहरा कराया गया तो वेट की गई इंतजार किया गया खौती आगुआ का कि आगू आने तो फिर जो नगर कीर्तन है जोड़ा वो किया जाऊगा तो फिर महाराज के स्वरूप थावां थावां ते जिथे जरूरत है परंतु अफसोस दुनियावी तो कलजुगी आगुआ गुरु साहब के स्वरूप उड़ीकते बेअदबी का कारण बन गए जिलदंगा गल गई अंग गल गए ये बड़ा वड्डा सवाल आ दसण किन्ने पैसे लैके किहदी शह दे उत्ते 450 सरूप की बेदबी कराई आ। सो इस करके साडा अज संकेतक संपोलक ये सीगा कि खालसा पंथ ये प्रबंध लेना जानदा आ असी संकेत रूप में दस दिता असी लै सकने परंतु असी गुरु घर की मर्यादा नूं खराब नहीं करना चाहते क्यों लैना प्रबंध क्यों लैना की कोशिश करते हैं क्योंकि ये नरैणू वाले पासे नूं तुर पे हुए आ नरैणू दीआं हरकतां तों तंग आ के खालसा पंथ ने 100 साल पहला श्रोमणी कमेटी नूं प्रबंध सौंपिया सी परंतु अज श्रोमणी कमेटी गिरावट आ के 100 साल पूरा नहीं किया नरैणू तों वध के हरकतां करदी आ असी गुरु घर की मर्यादा नूं तोड़ना नहीं चाहते संकेत दे दिता गया आ। अगली मीटिंग गुरद्वारा अटारी साहब सुल्तानविंड पिंड 10 सितंबर दिन वीरवार की आ समूह नौजवान आगुआं नूं समूह आगू साहिबानां नूं असीं बेनती करदे हां कि आओ गुरु बाबे दे फरमान अनुसार होए अकत्तर मिलो मेरे भाई दुबधा दूर करो लिवलाए हरनामे के होवो जोरी जोरी गुरमुख बैसो सफा विछाए। सो आपां सारे इकट्ठे हो के ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे अदब सत्कार लई क्योंकि ये अज स्टेजां ते विचरदे आ नरैणू मंत क्यों आ सुचा लंगा आपां देखिआ आ उहदी जग जा रहा नरैणू मंती ते अज कई सुचा लंगा पड़दे दे विच नकाब पा के घूम रहे आ ये सारियां गल्लां सारियां जिहड़ियां दुश्वारियां आ ये खालसा पंथ नूं अज इकत्तर होण नूं कह रहियां आ गुरु तुहानूं ते सिंघ शहीद जिहड़े बहबल कलां वाले उहनां दा खून कह रहा वीरो आ जाओ होवो रल मिल कट्ठे केसरी निशान साहब थले आ जाओ कट्ठे हो चलीए नहीं तो आन वाले इतिहास ने सानू माफ नहीं करना दर्जा बदर्जा पंथक शख्सियतों का इत्थे पहुँचण ते जी आया। मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद क्योंकि वरदे मीह विच सारी संगत ने एक प्यार दा सबूत दिता आ ते एक जिहड़ी असी उह एक अगली जलाई गई सी असी जांच कमेटी ते इकबाल सिंह दो गल्लां जांच कमेटी दी जिहड़ी रिपोर्ट ते आ गई तो श्रोमणी कमेटी का असी फैसला लोया आ जिहड़े छोटे आगुआं दे उत्ते जिहड़ा इन्हां ने कार्रवाई की आ ते जिहड़ा सानू लव कुछ दी लाद दसदा आ उहनू वी असी ये जिहड़ी आ अग दे हवाले करके दस्सिया आ वे खालसा पंथ ये गल्लां प्रवान नहीं करदा। तो दूसरी बेनती कीर्तनिया सिंघां नाल जिहड़ा धक्का हो रहा आ बड़ी मंदभागी गल आ आने वाले दिनां नाल उहनां वीरां नाल वी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के असी बैठांगे जिद्दां दी लड़ाई भी वह वीर कहिंदे आ गुरमता हुंदा आ
असी कीर्तनियां वीरां दे नाल हर तरह की लड़ाई लड़ांगे, क्योंकि उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्हां दी हूक आपां सोशल मीडिया ते वेख रहे हां। एक गुरु घर दे कीर्तनीए जदों मन वैरागी हो के साढ़े नाल गल्लां साझियां करदे ने, ते जिहड़े अहुदेदार ने ओह कई तरह की नीवें पद्धर की बयानबाजी करदे ने, उन्हां नूं असीं मुड्डों बयानबाजी नूं रद्द करदे हां। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 295 ਏ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 450 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2-3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 500,000 ਮਾਸਕ ਪਰ ਡੇ, 2 and 3 ply disposable face mask, 3 ply disposable face mask with nose wire, RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information, www.risley.org.